लाइफ में आपके पास एक ऐसा मौका आता है जहां पे आप अपने आप को बदल सकते हैं। मेरे पास 14 लोग हैं, मैं उनको डिवाइड करूंगा 7 टीम्स में और उनसे वो करवाऊंगा जो उन्होंने पहले लाइफ में कभी नहीं किया होगा। उनमें कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं और कुछ एक्टर्स भी हैं, क्योंकि मैं लाया हूं एरियल अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय रोड पावर्ड बाय पामोलिव शैम्पू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शोएब मलिक। आप लोगों ने मुझे क्रिकेट की फील्ड में देखा होगा, ये एक डिफरेंट मैदान है, मेरे लिए नई चीज़ है, बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए हाउ इट गोज, आई हैव 14 पार्टिसिपेंट्स और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता हूँ। पहले मैं इनसे पूछ लूँ ये कैसे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। जो भी सोच रहे हो सब लोग सब कुछ डिलीट कर दो, क्योंकि आज यहाँ पे जो कुछ होने जा रहा है वो अच्छा भी है और मुश्किल भी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ होगी जो आप लोगों ने पहले नहीं की है। आज आप लोगों का आज एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जिसमें हमारे पास क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने पहले ये काम नहीं किया है, हमारे पास एक्टर्स भी हैं, हमारे पास ट्रेनर्स भी हैं। तो आज देखते हैं ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे। आप माशाल्लाह आप सब लोग को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो यहाँ से जीतेगा उसका पूरी दुनिया में डिफरेंट चीज़ में नाम होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि ये मेरा शो है और जो मैं बोलूँगा वो ही होगा यहाँ, इससे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फन ना करो, आप वो करो, लेकिन मेरी बात सबसे पहले जो मलिक ने कह दिया वो कह दिया। आज पहला दिन है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने खुद ही टीम्स बना ली हैं, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान में लड़के लड़कियां चूज करते हैं, लेकिन यहां पे मैं लड़कियों को मौका दूंगा कि वो लड़कों को चूज करें। आज लड़कियां चूज करेंगी ना शक्ल देख के ना फिटनेस देख के। देखते हैं कौन किसका पार्टनर बनता है। तो आई एम गोइंग टू कॉल ऑल द गर्ल्स टू कम एंड चूज योर पार्टनर, लेकिन आई एम गोना कॉल यू वन बाय वन। सहर आप प्लीज आए और अपना पार्टनर चूज करें। कैन यू प्लीज शो योर कार्ड। आजम, ऑल द बेस्ट सहर एंड आजम। हारून, मरियम एंड हारून, ऑल द बेस्ट गाइस। ये तो सेलिब्रिटीज की जोड़ी बन गई है, आई थॉट क्रिकेटर आएगा। फवाद, ये वैसे भी एक ही छाते के नीचे खड़े हुए थे दोनों। मिस नेहा, एक दो नहीं, हाँ तीन रख के जीत नहीं जाएंगे। इमान, इमान एंड नेहा, ऑल द बेस्ट गाइस। हमाद, मिस्टर हमाद, हमाद एंड फायजा, यू टू आर पार्टनर्स, ऑल द बेस्ट गाइस। मिस नुसरत, yes and both of them cricketers, the top one, Mr. Saeed Ajmal, Saeed Ajmal and Nusrat, they are partners, all the best guys। ab jo last mein Mehrun Nisa hain unke jo partner hain wo main hi bata deta hu aur wo hain Kamran Akmal, all the best guys। teams hamari ban chuki hain, aaye chalte hain Pakistan ki tareekh mein सबसे बड़े शो की तरफ
जिसका नाम है एरियल द अल्टीमेट मुकाबला, प्रेजेंटेड बाय रोर, पावर्ड बाय पामोलिव शैम्पू। आइए अपनी पहली गेम की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग पहला गेम खेलेंगे इस जेटी पे, लेकिन हम पहला गेम खेलेंगे वो वाला जहाँ पे चार हर्डल्स हैं। पहला आपने ये जो जाली आपको नज़र आ रही है इसके नीचे से गुजरना है, ठीक है। सेकंड हर्डल है क्लाइम करना है और रोप को ऊपर देखें, अगर आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे वो उतारने हैं, वो अपने पार्टनर को हैंडओवर करना है। फिर वहाँ पे बेलचे पड़े हुए हैं, उनको खोदना है और उन उसके नीचे से गुजरना है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो है वहाँ पे जाके चार टायर्स हैं, वहाँ पे जो जिस जिसने फ्लैग्स को उतारा होगा, वहाँ पे पार्टनर को हैंडओवर किया होगा, वो वहाँ जाके फेंकेगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो सबसे पहले करेगा उसके 10 पॉइंट्स हैं, जो सेकंड नंबर पे करेगा उसके 7 पॉइंट्स हैं, और जो थर्ड पे करेगा 5 और फिर 2, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उसको। तो एक दूसरे को गिराना नहीं और मारना नहीं, ठीक है। वापस जाएंगे, पहला गेम हम लोग खेल रहे हैं एरियल रिमूव्स टफ कॉलर स्टेन्स इन वन वॉश। रेडी हो आप लोग? मेरा वेट ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो मैं रोप इतनी आसानी से क्लाइम नहीं कर सकता, तो मैंने सह को कहा कि मैं नेट के नीचे से निकलता हूँ। स्टार्टिंग वॉज लाइक वेरी गुड कि मेरी पार्टनर बहुत अच्छे से वो जो क्रॉलिंग करके निकली। बहुत डिफिकल्ट था, हाथ में भी जरा मुश्किल हो रही थी, थोड़े छिलविल भी गए हल्के से, और दूसरा स्लिप बहुत हो रहा था क्योंकि बारिश हुई भी थी, तो इतना आसान नहीं था। रस्सी को पकड़ के ऊपर जाना वो ज़रा मुश्किल, वही गेम थी, लेकिन मैं एज ए स्पोर्ट्समैन मैं समझ रहा था, दिखने में लग रहा था कि मैं कर जाऊंगा, वेरी टफ, इतना इजी नहीं था मेरे लिए करना। चलो चलो वो आगे निकल गए, चलो। अब हो गया खत्म। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम लोग यू नो के सेकंड जो राउंड था उस गेम का वो कंप्लीट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे नहीं हुआ। इसी में भी आप लोग फेंक सकते हैं, कोई मसला नहीं गाइस, यू ट्राइड योर बेस्ट। ये लास्ट वाला गेम नहीं था, अभी पहला गेम था, तो इट्स ओके। कुछ गेम्स ऐसे होंगे वो लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, आ जाओ। ईगो बड़ी हर्ट हुई थी कि यार ये गेम कर सकते थे, हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे लिए ये सारी गेमें इजी होनी चाहिए, लेकिन पता चला कि हर गेम की एक टेक्निक होती है। स्मार्टली है यार, स्मार्ट है यार, यार देखिए एक बात सुनो, उन्होंने कहा नीचे से आना है ना, बस अब ये नीचे से बाइक ये नीचे से आना है, हां हां ये तो मतलब हाथ से कर लिया ना, हाथ से कर चुके नीचे से आए ना, नीचे से आए ऊपर से नहीं आए, फंस कर रहे हैं, नहीं फंस कर रहे हैं, यू कैन सी द कैमरा, फंस कर रहे हैं, फंस कर रहे हैं,
ये कह रही डिगिंग करो रन भैया तुम साथ आ गए भाई हाथ से किया अभी टोल्ड मी वो भाई हाथ से किया ऐसे निकल सकते तो मैंने डिगिंग किया इसी बात कर रहा हूं इंटेलिजेंट क्या है चालाकी क्या नीचे से निकला वो भाई ये कर दिया निकल जाओ और क्या लास्ट भी बेलचा उठा के पूरा करेगा थोड़ी सी नहीं ज़्यादा चीटिंग हुई क्योंकि जो रूल्स के मुताबिक जो थे हमारे दो कंपनीज थी जो हमारे साथ तो उन्होंने किया नहीं था तो वो गलत करके गए तो उस पर हमने थोड़ा सा शाउट किया और क्योंकि ये मलिक की गेम है मलिक का शो है तो उनके सामने हमने अर्जी डाली कि देखें जी ये काम सही नहीं हुआ चीट हुआ है जो तीन पार्टनर्स थे जो नहीं कर पाए ये सेकेंड वाला टास्क वो आ जाओ रेस्ट करो आप लोगों के बस की बात नहीं है आ जाओ आप लोगों ने ये फिनिश किया ठीक है मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ मेरी ये ख्वाहिश है कि ये आप डिग करो उसके बाद ये जो टायर है इसको रोल करना है ठीक है और वो एरियल तक लेके जाना है ठीक है मैं ये चाहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ आप आपस में डिसाइड कर लो कौन नंबर वन है टू है थ्री है और फोर है 25 सेकंड है आप लोग एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हो तो कर लो आप हमें फर्स्ट आने थे आपका अगर आपको मुझे करना होगा तो सबको करना पड़ेगा या फिर अभी एक टास्क कर या उन्हें नहीं, नहीं या उन्हें हाँ, कहते हैं कि आप लोग डिसाइड करें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है कर लेंगे वो नहीं कैमरा देख रहे हैं याद रखो फराह फवाद तो आप भी समझ जाएंगे ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा मुझे लेकिन ये है कि जो थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई दे रहा है उसमें यह है कि आधे लोग मान चुके हैं आधे नहीं मान रहे तो अब देखते हैं कि एंड डिसीजन क्या आता है फवाद तो फिर मान रहे थे लेकिन फराह तो बिल्कुल ही नहीं मान रही थी मुझे हमें कह रही है कि नहीं हम फर्स्ट हैं हम फर्स्ट हैं हालांकि सबने देखा है कैमरे में भी नजर आया था कि हम थे तीन बंदे समझ जाए तीन डे हम गेम में हैं सारे गेम में कह रहा हूं ये इसमें फोर्स ही ना आ जाए ये डेड लिफ्ट करनी है ये बता रहा हूं आप टाइम्स अप गाइस टाइम्स अप सो व्हाट यू गाइस हैव डिसाइडेड कि दोबारा यहां से स्टार्ट करना है डिग करना है और टायर को रोल करना है एरियल तक के शोएब भाई जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आए थे हम में से किसी को कोई इशू नहीं लेकिन सिर्फ इशू है अगर वो बात की टीम को और अगर वो डिस्कस कर लें थर्ड फोर्थ कौन आया था कैमरे में देख के तो फिर हम अब कैमरा नहीं डिसाइड करेगा मैं डिसाइड आप करें आप डिसाइड करते हैं कि हम में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया क्योंकि हमने बता दें मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तब डिसाइड होगा जब ये टास्क पूरे होंगे प्लीज एक चीज के ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नो प्रॉब्लम जिसको देना है दें अभी एक ये शुरुआत है तो आस्क देम कि जो आप रूल बताएं तो उसके मुताबिक चले सारा इस तरह ना हो कि मैंने ये कर लिया लड़ाई करनी है तो फिर मैं तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई में आ गया हूँ तो लड़ाई नहीं करनी इट्स जस्ट अ गेम टेक इट एज अ गेम और रूल्स के मुताबिक करें थैंक यू बाकी आपने मुझे फोर्थ करना है आई डोंट माइंड कोई मान नहीं रहा था कोई अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा था मैंने कहा एक टाइम पे मैंने कहा कि चलो ठीक है जो आपने करना है कर दो तो वो लोग कह रहे हैं आप फोर्थ हो जाएं तो बस हमने मलिक को फिर ये कहा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आप ये करें कि जो आप रूल बताएं उसके मुताबिक गेम हो और फिर उसके बाद ये ना हो कि थर्ड अंपायर हो या फोर्थ अंपायर हो जो चीट कर रहा है वो चीट ही कर रहा है उसको भाई कहते तो मलिक ने डिसाइड किया कि वो चाहते हैं आप आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी लेकिन ये है कि सबको मुझे ये लगा कि आपकी डिस्कशन के बाद भी जो है ना कुछ लोगों को इश्यूज हैं मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये टास्क दोबारा करना पड़ेगा ये डिग वाला और टायर को जो है रोल करना है और वो एरियल तक पहुंचाना है फ्लिप करना है रोल नहीं करना फ्लिप भी कैसे करना है प्लीज बता दें मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं अगर आपको बेलचे के साथ मुश्किल पेश आ रही है तो आप हाथ से भी डिग कर सकते हैं ठीक है आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब बहुत डिफिकल्ट था वो तो ओ माय गॉड जब डिग किया समझ नहीं थी आ रही फ्रंट को करना है बैक को करना है पहले फ्रंट को किया नहीं हुआ बट बैक को किया तो आई गॉट माय स्ट्रेंथ और जब मैं उसके अंदर घुसी हूँ मैंने अपने पाँव फंसाए
मरियम निकल जा, मरियम निकल जा, चलो 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 चलो, नो चीटिंग, नो रोल, चीट नहीं करना, रोल नहीं करना, फ्लिप करना, फ्लिप फायजा ने इतनी एनर्जी में थी, बिल्कुल सामने आ गई और मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं टायर को रख दूं, छोड़ दूं, या थर्ड आ जाऊं या फोर्थ आ जाऊं। तो मैंने कहा टायर मेरे ऊपर फेंक दिया था। तो आप सामने बिल्कुल थी मेरे, मैं क्या करता, मजबूरी थी। और मुझे इतनी शदीद चोट लगी है। लगेंगी, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज थी कि इन्होंने सही किया और अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि फवाद को 10 पॉइंट्स जाएंगे, इमाद को 7 जाएंगे, हमाद को 5 जाएंगे और हारून को 2। और अब देखते हैं अगले टास्क में क्या होगा। शुरू करने से पहले ऐसे लगता है मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन द वे यू गेट स्टार्टेड तो जब आपको पता चलता है कि वो डिफिकल्ट कितना है। लेकिन अभी तक तो मज़ा बहुत आ रहा है और हम कोशिश करें कि इसी तरह एनर्जी के साथ और टफ कंपटीशन दें। फाइनली दे फाउंड द वे। ये लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। Welcome back from the break. Ariel, the ultimate mukabla, presented by Roar, powered by Palmolive shampoo. Second game hai hamara. Aur Kamran and Saeed. Yaar, kuch to karo yaar. Abhi start hai. Abhi start hai. Bheje aapko pani mein. Fir bahar kaise aayega? Partner hai na, hum chale jayenge. फहद एंड हमाद, यू गाइस डूइंग ग्रेट। और आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आजम कुछ तो कर रहे हैं यार, प्लीज एक्चुअली हम भी करेंगे आपके लिए, हम भी करेंगे। ये जो आप लोग पूरी एनर्जी लगा रहे हो ना तालियों में, गेम्स पे लगाओ, गेम्स पे लगाओ। लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो शाम को पता क्या सोच रहे होगे, यार मैं उस टाइम पे ये कर लेता, उस टाइम पे ये कर लेता। ये हमारा सेकेंड गेम है जिसका नाम है रोर। लेट मी हियर यू ऑल रोर, खुल के रोर। बिल्ला भी आ गया। ये कश्ती आप लोगों के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। पार्टनर्स इसमें जाएंगे, पीछे मुड़े सारे। ये आपको सारे पत्थर नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल। इसके पूरा राउंड लेके आना है, बीच में शॉर्टकट कुछ नहीं है। सेंटर वाला नहीं, ये सारे नजर आ रहे हैं स्टोन्स। ऑल राइट, पूरा राउंड लेके आना है। जो सबसे कम टाइम में करेगा, सबसे पहले आदमी को 10 पॉइंट्स, उसी तरह जो पहले गेम हुआ था 7, 5 और 2, ठीक है। आजम, सईद, कामी, यार देखो मेरी बात सुनो, अच्छा कम्पीट करो यार, गिव योर बेस्ट शॉट इंशाल्लाह, ठीक है। एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, हो रही है तुझे? डबल पैटी वाला बर्गर, हाँ थोड़ी एनर्जी चाहिए। रेडी हो जाओ, गेम शुरू करते हैं। और मेरा ख्याल है आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, हारे हुए लोग पहले जाएंगे या जीते हुए? जीते हुए ऑफ कोर्स, जीते हुए हम देख लेंगे ना, हारे हुए पहले जीते। यार एक सेकंड, मेरा शो है, मैं ही डिसाइड करूंगा।
अपने पार्टनर के पास पहले पहुंचेगा वो सबसे लास्ट में जाएगा. 1 2 go. वो पहले जाएंगे. हमाद एंड फायजा ये तो पहले लोग हैं जो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही डिसाइड करेंगे कि सेकंड कौन जाएंगे. तो आप लोग प्लीज जरा बताएं सेकंड कौन जाएंगे. सईद भाई सबको पसंद है. आइए. गुड लक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत बुरी है. हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था, हम तो बिल्कुल ब्लैंक थे कि कौन आगे बैठे और कौन पीछे बैठे. कौन ज़्यादा, मैं ये फील कर रहा था कि यार शायद मैं अगर आगे बैठूँ तो आगे से मैं फील करूँ. हमें ये लगा कि अगर ये फ्रंट पे बैठेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से पुश कर सकेंगे और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली मैं गिर गई थी. एक मिनट और 20 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है, मोमेंटम आ गया. अच्छा जा रहे, अच्छा जा रहे. जब हम थोड़ा सा मिडिल में पहुंचे तब हमें समझ आ गया था कि अब हमें कैसे लेके चलना है इस गेम को, जिसकी वजह से दूसरे कंटेस्टेंट को बहुत फायदा हुआ. विच आई फील अभी फील कर रहा हूं ना कि ऑब्वियसली तो एक तरह से हमने सपोर्ट ही किया सबको. टाइम ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं. Well done, guys. Your time starts now. इन लोगों को कुछ समझ नहीं आई, इन लोगों ने नहीं देखा. हम सब ने गिने. सईद सारा टाइम यही खत्म हो गया. सईद जान भी ज्यादा लगती है और बैलेंस रहेगा क्योंकि आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो पीछे बैलेंस रहेगा.
जिन्होंने आधे से ज्यादा टास्क उतर के किए। जिसने डिक्टेट करना है या राइट डायरेक्शन देनी है कश्ती को, वो पीछे बैठे। जो पहले वाली दो टीमें थी, जो गाइड कर रहा था कश्ती को, वो आगे बैठा हुआ था। ये डिफरेंस है पहली दो टीम्स में और इनमें। देखें, क्योंकि ये बहुत, इनफैक्ट ये पत्थरों तक पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड में। Yeah, they're doing good. They're the quickest. ये लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो सारे पत्थर हैं उसके हाफ वे में पहुंच गए हैं ये लोग, 1 मिनट और 10 सेकंड। एक मिनट और 58 सेकंड। Well done, guys. They are excellent. Well done, yaar. Well done, boys. Well done. Very well done. Thank you. Well done. Thank you. कैसे हुआ ये? ये बोलते रहे ऐसे ऐसे करना, मैं वैसे वैसे करती रही। वो कोर आपका स्ट्रांग लग रहा है। कोर भी स्ट्रांग है, आर्म्स थोड़ी वीक है, लेकिन समझ आ गई टेक्निक इनकी जो बता रहे थे। कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिन लोगों ने? नहीं नहीं, जिन लोगों ने करना है। नहीं, इट्स अ शो, गेम शो ना, तो व्हाई वी एडवाइसिंग देम? हां, प्रे करेंगे, वो प्रे करेंगे कि गिरे नहीं, क्योंकि वहां पर पत्थर बहुत हैं। कोई गिरेगा तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए, पत्थर बहुत हैं क्योंकि इंजरी होने के चांसेस हैं। बट प्रे करेंगे कि जाएं और अच्छा करें और अच्छे से वापस। देखें जो बाकी की टीम्स हैं वो क्या करती है। वेल डन, थैंक यू। लन कामी भाई, था देखा भी हुआ टीम से क्या टेक्निक होनी चाहिए, जब सीधा जाना हो तो फिर लेफ्ट राइट दोनों चलाने पड़ते हैं, तो वो भी एक माइंड में गेम था और चल रही थी गेम कि टेक्निक ये भी है। एक मिनट और 20 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी लग रही है। ये पूरा घूम के गए, इन्होंने मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा जो 15-20 सेकंड थे वो भी इन्होंने किए, उसके बावजूद
अभी तक बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं फवाद को और फरा को। कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी थी और इसमें टेक्निक मेरे ख्याल से बड़ी मैटर करती थी, जो मेरे ख्याल से मेहरू ने की हुई थी पहले, ये टेक्निक शूट वगैरह किया था उसका बड़ा फ़ायदा मिला। बहुत आला लग रहा है, जो इससे पहले वाला टास्क था उसमें काफ़ी सारी ईगो जो है ना वो हर्ट हुई है, वो इसमें दिख रहा था। वेरी नाइस। अभी बहुत सारी गेम्स आगे पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर गेम को प्रोफेशनली एनर्जी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ पार्टनर के साथ फिर जाके काम अच्छा होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम दोनों ने पहले की हुई है। हाँ, और अच्छी खासी की हुई है। बट जस्ट दैट कि जब शोएब हमें बता रहे थे टास्क के बारे में भी थॉट किए, तो हम बड़ी इजीली कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत दफा किया है। हवा बहुत ज़्यादा है, वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हमारी मिसकैलकुलेशन हो गई थोड़ी सी और हम थोड़ा सा राइट एज पे निकल गए इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑन द लेफ्ट साइड। इनके ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत बड़ा राउंड लिया इन लोगों ने, बहुत बड़ा। पत्थर में जा रहे ना। फाइनली दे फाउंड अ वे। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। सेवेंटी इन्होंने कर लिया और इनके ऑलमोस्ट 3 मिनट और 40 सेकेंड जो हैं वो हो चुके हैं। Boys, well done. इमाद और नेहा, yes. आप लोगों ने देखा पहले जो टीम्स थी उन्होंने कैसे किया? Yes. नेहा, आप ready? Yeah. Let's see how it goes. आप guidance देंगी या इमाद देंगे? कुछ ऐसा decide किया? दोनों ने हमने decide किया है coordination कैसे करनी है, देखते हैं कैसे होता है। आइए। Your time starts now. ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स में इन लोगों ने पत्थरों के पास पहुंच चुके हैं और इनसे पहले जो दो टीम्स हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में किया है वो 1 मिनट और अराउंड 15 से 20 सेकेंड्स में उन्होंने हाफ वे जो था वो कर लिया हुआ था। अभी तक ये बहुत अच्छा जा रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग इतने कम टाइम में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेहा जो है वो कश्ती चला रहे हैं।
गलत वाली डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इमाद की गाइडेंस ने वापस कश्ती को जिस जगह पे टास्क एंड होता है उसी तरफ की डायरेक्शन दी। They're almost here. Well done, guys. Very nice. सबकी स्ट्रैटेजी देख ली है, तो हिसाब से हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने और सहर ने मिलके, तो इंशाल्लाह होपफुली वी विल नेल इट। हां, वी वर हैविंग, ओह सॉरी, शी वाज हैविंग सम बिस्किट्स, आई वाज ऑन ब्लैक कॉफी। व्हाट अबाउट यू? आई वाज ऑन ब्लैक कॉफी, यू नो, ट्राइटिंग। आजा, अभी पता चलेगा, ब्लैक कॉफी, आजा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारा बैलेंस प्रॉपर नहीं बना बिकॉज हमारे जो वेट्स थे वो थोड़ा पीछे की तरफ थे, जिस वजह से हमारी बॉडी काफ़ी मूव कर रही थी। ऑलरेडी 2 मिनट और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि अगर आजम पीछे बैठेंगे और मैं आगे बैठूंगी, हमें लगा सब यही कर रहे हैं तो आई थिंक दिस विल वर्क फॉर अस एज वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए वो वर्क नहीं किया। मुझे लगता है कि आज़म अगर आगे होते और मैं पीछे होती तो ज़्यादा अच्छे से बोट बैलेंस होती, क्योंकि बोट का वेट जो था वो सारा पीछे था। 3 मिनट और 30 सेकेंड हो चुके हैं। टास्क जो है मेरे से ज़्यादा आज़म के लिए ज़्यादा टफ था, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा रॉक्स पे भी गिरे। इवन देन ही वाज लुकिंग आफ्टर मी कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं गिरूं, और मैं उनको पकड़ पकड़ के दोबारा बोट में बैठ रही थी। तो आज़म ने बहुत एंड तक कोशिश की कि हम ये कर लें। टाइम शायद ज़्यादा अप हो गया तो शुएब सेट के आप लोग वापस आ जाएं, और तब तक आज़म को बहुत ज़्यादा रॉक्स की वजह से स्ट्रैचेज आ चुके थे, बहुत इनको अपने नीज पे भी लगा था। सो आई वुड गिव आज़म द क्रेडिट दैट ही डिडंट गिव अप। यू डिड वेल, यू डिड योर थिंग। थैंक यू, थैंक यू, वी ट्राइड आवर बेस्ट। आई थिंक वो तो न्यू एक्सपीरियंस, लेकिन अभी आप आगे काफ़ी गेम है तो कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें उसमें। इस तरह हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है वो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताई है आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जो पहला टास्क था जिसमें कामरान और मेहरुनिसा ने पूरा नहीं किया था, ये टास्क में उन लोग टॉप पे हैं। और ये गेम चेंज होता है, कुछ भी हो सकता है। पहला टास्क देखा था उसमें ऐसे लगा कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गेम अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे गेम्स आगे आएंगे और देखते रहिए। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। एरियल द अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय रोर, पावर्ड बाय फॉर्मोलिव शैम्पू। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।